चंबा जिला प्रोग्रेसिव काउंसिल की मासिक बैठक का आयोजन अध्यक्ष चंद्र सहगल की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में चंबा बाजार में लगी रेहड़ी फड़ी के कारण शहर में ट्रैफिक समस्या और लोगों को चलने में आ रही समस्या पर चर्चा की गई। उनका कहना है कि कुछ लोग चंबा में विकास होता नहीं देख सकते हैं, जिस कारण चंबा में जब भी कोई कार्य शुरू होता है तो वह कोर्ट से स्टे लेकर उस कार्य को रुकवा देते हैं, जिसका सीधा प्रमाण हाल ही में कसाकड़ा में शुरू हुए वेंडिंग जोन के कार्य, जिसके काम को हाई कोर्ट से स्टे लेकर रुकवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस वेंडिंग जोन में 300 दुकानें बननी थी और जिसके बाद शहर की सारी रेहड़ी फड़ी हट जानी थी, लेकिन कुछ लोग जो चंबा का विकास नहीं होने देना चाहते हैं, उन्होंने स्टे लेकर इस कार्य को रुकवा दिया। उन्होंने प्रशासन और सदर विधायक से अपील करते हुए कहा कि ऐसे मामलों का कोई हल निकाला जाए ताकि चंबा में विकास हो सके। आज प्रोग्रेसिव काउंसिल चंबा की मासिक मीटिंग हुई, उसमें सभी सदस्यों ने भाग लिया और सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि चंबा के राउंड रेड़ी फड़ी जो लगती है उससे चंबा में ट्रैफिक की बड़ी प्रॉब्लम है और पैदल चलने में बड़ी प्रॉब्लम आती है और ट्रैफिक कभी कभी इतना जाम हो जाता है कि 2-3 घंटे का जाम लगा रहता है। इस बारे में कुछ अर्से पहले प्रशासन ने और पिछली गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि एक बैंडिंग जोन क्रिएट किया जाए, जो हमारा दिल्ली दरवाज़ा है उसके पिछली तरफ जो जगह है वहाँ, और सभी रेड़ी फड़ी वाले जो हैं अराउंड चंबा चुगान वो वहाँ शिफ्ट की जाए। तो उसका काम भी शुरू हो गया था और बीच में कुछ ऐसी अड़चन आई कि कुछ लोगों ने, चंबा वासियों ने उसका स्टे ले लिया था, लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता लगा उस स्टे का प्रोविजन क्या था, किस वजह से उन्होंने स्टे लिया था वहाँ काम रुकवाने का, और आज तक वो काम रुका हुआ है। और इसी वजह से जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वो चंबा में हो रही है और पैदल चलने की भी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि उस स्टे को स्पेशल कंडीशन से वैकेट कराया जाए, जिससे कि चंबा में ट्रैफिक की प्रॉब्लम, पैदल चलने की प्रॉब्लम, हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनकी तो बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसको हल किया जा सकता है। हम विधायक श्री नीरज नैयर से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस बारे में वो अपने एफर्ट्स करके इसको बेंडिंग जोन को जल्द से जल्द कम्प्लीट किया जाए। एक पॉइंट हमारा और है कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में चुनाव में 4 प्रोजेक्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट का काम शुरू होने वाला था, लेकिन कुछ सूत्रों से या अखबार से या हमें कुछ पता लगा है कि वो काम जो है वो बंद हो गया है और वो 4 प्रोजेक्ट जो है वो किसी और जो इंस्टीट्यूशन है या उसमें वो बोर्ड उनको दे रहा है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि प्रोजेक्ट जो है वो जो विद्युत परिषद है वही कंस्ट्रक्ट करे, सो दैट वहाँ के लोगों को भी रोजगार मिल सके, क्योंकि वो चंबा का एरिया, चंबा तो वैसे ही पिछड़ा इलाका है, लेकिन चंबा का जो ये जो जिसा एरिया है वो बहुत लोग वहाँ बड़े गरीब हैं, कहीं के पास तो ज़मीनें भी नहीं हैं, तो अगर ये 4 प्रोजेक्ट बोर्ड खुद बनाएगा तो लोकल आदमी को वहाँ रोजगार मिल सकता है। तो ये प्रशासन से हमारी मांग रहेगी कि इसको जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करें। चंबा प्रोग्रेसिव काउंसिल की मीटिंग हुई, इसके अंदर सदस्यों का कहना था कि जो रेड़ी फड़ी वालों की प्रॉब्लम कई सालों से चंबा में चल रही है। आपको मालूम होगा कि रेड़ी फेड़ी की जो इनकी दुकानें हैं ये दिल्ली दरवाजे के पास और पोस्ट ऑफिस के पास अगर आप देखें तो वहाँ पर रेडी फेडी दुकानें लगी हुई हैं और सभी बगैर अपार्टमेंट के हैं। इनके चलान भी हुए, पुलिस वाले भी गए वहाँ पर, साथ में ये जो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी वाले भी जाते हैं, इनको उठा देते हैं, ये बेचारे फिर दूसरे दिन वहीं पड़ी लगा देते हैं, लेकिन इनकी भी मजबूरी है। हम भी समझते हैं इस चीज़ को कि कई सालों से ये अपनी रेडी वहाँ पर लगा रहे हैं और इससे इनके अपने रोजगार जो चल रहा है, घर पालन पोषण कर रहा है इनका, फैमिली का, इसी से इनका चल रहा है। अगर हम इनको वहां से उठा देंगे तो वो कहाँ जाएंगे, या तो इनको जगह दी जाए, और जगह नहीं देंगे तो फिर आप इनको आ जाएंगे, आप उठा देंगे, कल वो फिर बैठ जाएंगे।
कि उनकी यही रोजगारी भी है। तो इसके बारे में जो हमारे पिछले विधायक थे पवन नैयर के बारे में उन्होंने सोचा और सरकार से, पिछली सरकार से उन्होंने बात की थी, तो पिछली सरकार ने इसके लिए पैसे 300 दुकानें बननी थी वहां पे, इस जो अपने दिल्ली दर्जे के पास वेडिंग जोन में, और वो 300 दुकानें रेडी वालों को फ्री देनी थी और उनको वहां शिफ्ट करना था। इसके लिए पैसा भी उन्होंने मंगवा लिया था और साथ में काम भी शुरू हो गया था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि चंबा में कुछ ऐसे लोग हैं, हमें नहीं पता उनके दिमाग में क्या है कि चंबा के डेवलपमेंट ही नहीं होने देते। जब भी कोई बात होने लगती है उसका स्टे ले लेते हैं। जैसे आपको मालूम होगा, पीछे और पहले भूरी सिंह म्यूजियम का स्टे ले लिया, फिर डाकखाने का, पोस्ट ऑफिस का ले लिया, कला के अंदर का ले लिया, आई कला के अंदर देखिए आप सारे, फिर भी बन गया, स्टे लेने के बाद भी बन गया, या तो बनने में तो बन भी गया, और आज सारे फंक्शन वहाँ पर हो रहे हैं, रामलीला वहाँ पर हो रही, मिंजर मेला वहाँ पर हो रहा है, कोई भी गवर्नमेंट के फंक्शन है सारे वहाँ पर हो रहे हैं, 15 अप्रैल वहाँ, 26 जनवरी वहाँ। तो हमें नहीं समझाती वो क्यों ऐसे करते हैं कि जिससे स्टे लेते हैं। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बुद्धि को थोड़ी वो दें कि थोड़ा ये ऐसा चंबा की डेवलपमेंट के अंदर रोड़ा ना अटकाए। अब वो जो दुकानें जो बंद हो गई हैं, बंद होने से अब वहाँ पर लोग अपनी दुकानें चला नहीं सकते, सॉरी दुकान पड़े डेयरी को उठा नहीं सकते। हमारी नीरज नैयर जो हमारे इस विधायक हैं चंबा सत्र के सदस्य, उन्होंने से प्रार्थना की है कि ये जो उन्होंने अपना स्टे लिया है इसको हाईकोर्ट से जल्दी वकेट की कराया जाए ताकि ये दुकानों का काम फिर दोबारा शुरू हो जाए, जिसके अंदर पैसे ऑलरेडी आ चुके हैं, और ये काम अगर शुरू हो जाता है, अगर दुकानें लग जाती हैं तो इनको बड़े आरामी से उनको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगर ये रेडी फेडी वाले उनको आप शिफ्ट कर देते हैं तो चंबा में एक तो थोड़ी बहुत जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, और जो है ये लोगों को आने जाने के लिए सुविधा हो जाएगी, और चंबा जो है एक खूबसूरत शहर बनेगा। हमें आज पता लगा, पता नहीं ठीक है या गलत है, कि छोटी मोटी जो पार्किंग SP ऑफिस के पास से बन रही थी उसके अंदर अब वो तकरीबन कंप्लीट होने के लिए है, या तो पता लगा कि इसके लिए भी कई लोगों ने स्टे ले लिया है, तो फिर वही बात आ गई। अगर स्टे लेना था तो जब काम शुरू ही हो रहा था, जब वो हम बड़े बड़ी पत्थर थे उनको काटा जा रहा था, स्टे ले लेते। अब जब वो काम 90% कंप्लीट हो चुका है तो उसको स्टे ले रहे हैं। अब बाहर से जो लोग बेचारे आते हैं, तो चंबा में आता कोई नहीं, जो आते भी हैं उनको अपनी गाड़ी खड़ी करनी जगह नहीं मिलती है, तो इससे टेम्परेरी कुछ ये मिल जानी थी। बाकी पार्किंग का काम नहीं, नीरज नहीं साहब ने कहा है कि वो सोच रहे हैं कि शायद ये जो पुराना बस अड्डा है इसके साथ कहीं पार्किंग बने, ये तो बड़ा अच्छा होगा अगर यहाँ पार्किंग बन जाए। लेकिन मेरी फिर दोबारा हाथ जोड़ के उन लोगों से प्रार्थना है जो हमेशा जाके अपना स्टे लेते हैं, कि प्लीज चंबा की डेवलपमेंट के लिए ऐसा ना करें, ताकि चंबा जो है एक अच्छा खूबसूरत शहर बन सके, हम आगे ही बाकी जिलों से बैकवर्ड है। धन्यवाद।